मुझे हर दिन आने चाहिए HPR, बहुत यूनिक गाड़ियाँ होती है। और दूसरा वी डोंट नीड अ वेट, इतनी प्यारी E63 खड़ी हुई है, AMG है यार। मैं होता तो मैं ऐसे धूप में ना खड़ी करता। अब लोगों ने ज्यादातर, अगर आप देखोगे ना, तो पाकिस्तान में लोग E को नहीं देखोगे, AMGs देखोगे, C को नहीं देखोगे, C63 को देखोगे। अभी लोग ऐसे भी कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अभी टाइम लगेगा। S क्लास खड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल, मेरे लग अदील भाई होंगे। ब्यूटीफुल S क्लास यार, क्या मॉडल है, बस थोड़ी गंदी है, साफ करनी है लगता है। ये देखो, E आई है एक और कन्वर्ट करने के लिए, या ये कोई गाड़ी उठाने के लिए आए हैं। हमारे साथ राहिम है, मेरा OG बॉय, ये अभी आ गए HPR में। और ये जिसकी है वन ऑफ द वन OG कलीम थूरू की, जो बहुत मजे की गाड़ी कन्वर्ट करता है और हमेशा HPR से करता है। अभी मेरे ख्याल ये क्या ऑयल डल रहा है, क्या डल रहा है? अच्छा, इट्स अ ब्यूटीफुल, छोटी मोटी मेंटेनेंस। अच्छी, कितने हॉर्स पावर है, नहीं आइडिया? ये 620। अच्छा, स्टॉक फ्रॉम द फैक्ट्री, स्टॉक स्टॉक ऐसी ही है। हमने कोई इंसिडेंट, और ये वैसे ही 4MATIC, आपको पता होगा। ऑफ कोर्स 4MATIC। हां, जब ड्रिफ्ट मोड करना है तो रियर व्हील ड्राइव में आप। और ये S है? HPR से बनाते हैं, तो HPR वाले अच्छी कन्वर्जन करते हैं। मुकाबले किस में चल रहा है, HPR में और टॉप परफॉर्मेंस और रियल परफॉर्मेंस, इन तीनों में इस्लामाबाद में चल रहा होता है, ट्रायंगल चल रहा है। और एक दूसरे के से अच्छा मुकाबला अच्छा होता है कि कौन ज्यादा अच्छा बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे कॉम्पिटिशन अच्छी बात होती है, कॉम्पिटिशन की वजह से फिर अच्छी प्रोडक्ट मिलता है। I want to see this. अच्छा, कलीम लाला नहीं आए हुए ना? कलीम लाला भी नहीं है, लेकिन आवाज तो आवाज ब्यूटीफुल यार। अच्छा, ये कितना टाइम में कन्वर्जन हुआ है यार? ये कन्वर्जन हुआ है, सो हम कस्टमर को कोट करते हैं कि 2 to 3 months। सही, एक बार गाड़ी आ जाए यहाँ, हाँ, और गाड़ी डोनर कार रेडी है, ठीक है, 3 days 4 days। तो अगर पैसे ज्यादा जल्दी जल्दी बनाना है, अर्जेंट बेसिस पे भी होता है, तो उसके फिर पैसे ज्यादा लगते हैं। हाँ, वैसा भी है, उसमें लोग ज्यादा होते हैं। वैसे आपको बता रहा, एक बार गाड़ी आ गई है। अच्छा, इसको मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, जी क्लास, ये मेरे ख्याल शुरू हो गई है, ये मैंने जब देखा था उस टाइम उन्होंने 14-15 वाली लाइट्स मंगाई, वो हटवाई, अब ये 18 वाली मंगाई, आखिरकार बन गई है यार। इसमें 5.5 सुपर चार्ज डाले, 5.5 V8 सुपर चार्ज, ब्यूटीफुल। अभी इसमें खैर काफी अच्छा, अभी अंदर से तो काम रहता है ना यार, काफी है। आपको पता है यार, इसके इलेक्ट्रिसिटी इतने इंट्रिकेट होते हैं, आराम से भाई बात है, तसल्ली से करना। हाँ, अच्छा, तुम्हारी इस गैराज में सबसे फेवरेट कौन सी है? मेरी अगर एक चूज करोगे और तुम लेके जाओगे घर, तो कौन सी होगी? मेरी फेवरेट, ऑनेस्टली, दिस इज अ S63 और नॉर्मल है S500। नॉर्मल है, हाँ, S500। वैसे मुझे 204 पसंद है, मेरा फेवरेट क्या है? हां, दिस इज 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ, 6.2, पर लोग 3 बोलते हैं, लेकिन 2 है। और इसमें एक और मजे की चीज है क्या, और ये असली डोनर गाड़ी है, लाइक ये गाड़ियों से लोग ड्रिफ्टिंग सीखते हैं। ये 507 है। अच्छा, 507 है, ये 507 का, ये ब्लैक सीरीज वाला जो इंजन होता है, 507 हॉर्स पावर फ्रॉम द फैक्ट्री, स्टॉक में आती है। हां, स्टॉक। ओह, तो इसको अभी ऊपर करेंगे? हां, इसका अब यार बस ये ट्यून शू नहीं, मतलब ऊपर लेके जाएंगे 67 दिस कार, एंड ये दो तीन गाड़ियां जो डब्बों में आई हैं, हां, जापान से ही ऑलरेडी ट्यून्ड आई हैं काफी। अच्छा, फिर ठीक है, दे डोंट नीड दैट ट्यूनिंग। हां, लास्ट का भी डेट को हमने अभी तो फिर भी कम हो गया, पता है लोग कहते हैं कि यार C63 आंखें पक गई हैं। यार मैं कहता हूँ, इतनी अच्छी बात है, पाकिस्तान में हॉर्स पावर अवेलेबल हो गई है, हर आपको यू टर्न पे, हर सिग्नल पे नजर आती है। HPR में ये एक ही है ना, जो व्हाट यू कॉल दैट, जिसपे आप गाड़ी ट्यून करते हो, डायनो एक ही है, इस्लामाबाद में एक ही है ना, इस्लामाबाद में एक ही है, एंड ऑल व्हील वाला है। आपने अपनी फ्रंट व्हील गाड़ी करनी है, रेयर करनी है, ऑल व्हील करनी है, सब कुछ यहाँ होता है। ब्यूटीफुल यार, ऐसे अदील भाई को एक चीज करना चाहिए, गैराज को थोड़ा अपडेट करना चाहिए। ये मैं भी अदील भाई से मैंने पहले भी कहा था, वो मेरे ख्याल करेंगे। आई डोंट नो, इसका टाइम लगेगा, इतनी सी शॉप में इतनी चीज गाड़ियां, हां, दैट्स डिफिकल्ट। अभी हम ना सबसे पहले हमने रैक्स वगैरह बनवाए। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की, BMW को नहीं बना रहा M's, बहुत कम है असल में ना, इट्स वो एक्सपेंसिव पड़ती है ज्यादा। अच्छा, मर्सिडीज एक्सपेंसिव है रिलेटिवली ना, वो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ता है, तो कस्टमर ज्यादा गो फॉर इट। हम तो कहेंगे कि सारी नई F90s मंगाओ। हां, M90s तो वो फिर ऑब्वियसली कस्टमर
तो तुम्हें कितना टाइम हो गया इधर? यार मुझे 3 months हो गए. 3 months हो गए. Are you enjoying it? Love car. यार कौन enjoy नहीं कर सकता? नहीं कर सकता. हर दिन कोई ना कोई race चल रही होती है. डायनो पे पटाखे चल रहे होते हैं. अब ये गाड़ी इतनी खरीदी है कस्टमर से. अच्छा, और रैप हुई थी आपने देखा, पेंट थोड़ा खराब हुआ, हमने रैप उतारा है. हाँ हाँ हाँ, तो बड़ा फजूल रैप था. अगर ऐसे हुआ है एग्जैक्ट, तो एनीवेज यार रैप का बड़ा ध्यान है. ये आपको पता क्या क्या ये क्या ये मुझे लग रही कोई JDM अच्छा मुझे अपने को Mitsubishi. I got it bro, Mitsubishi. तो कितने horse power है bro? 1300. कसम खाओ. 1300 horse power. और इधर से कार्बन फाइबर? फाइबर की बॉडी है. ये फेक है ओरिजिनल. I'm not sure this could be real fiber. Real fiber. But ये 1300 HP gutted interior, sequential gearbox और Should we go back to the E63? और मेरे हाथ पे लगी है E, लेकिन this is not a AMG, it's a normal one. It's a E250, beautiful. इसका मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ. ओ ब्यूटीफुल ब्रो, इट्स अ ब्यूटीफुल. कितनी चली है यार ये? चली है 174 है. अच्छा नॉट बैड, वैसे नॉट बैड. अच्छा इसमें काम क्या चल रहा है यार? इसमें काम ये कुछ नहीं है, पेंट के लिए लाया. माइनर शाइनर, अपने बम्पर्स पेंट कराने लाया. ब्यूटीफुल यार, अगर आपको दिखाऊं इट्स अ ब्यूटीफुल. और जिसकी गाड़ी है ही वॉच माय व्लॉग, उसने देखी थी E55. इट्स अ गैंगस्टर गाड़ी, माफिया की गाड़ी. दैट्स ट्रू. और 211 भी. 211 भी. हां ये दोनों माफिया. बहुत प्यारी है यार. दिस इज अ मिनी कूप विद अस यार. इट्स यार अ मिनी कूप. अच्छा HBR में आप डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियाँ देखोगे, पुरानी भी गाड़ियाँ देखोगे. तुम अभी नहीं थे वैसे, जब मैं आता था इधर तो पुरानी गाड़ियाँ. और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. अभी मेरे ख्याल इसका बम्पर भी लगाएंगे. इट्स अ ब्यूटीफुल गाड़ी यार. और बॉय पीछे रैली वाली कार्स हमारी थी, उधर भी चलेंगे. एनीवेज गुड कार ब्रो, वेरी अमेजिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल और कलर इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ब्लैक कलर रखना मुश्किल है, लेकिन है अच्छी गाड़ी. लेकिन ब्लैक गंदी जल्दी हो जाती है. आई प्रेफर वाइट कलर. बट यार इसके जो LEDs है यार अमेजिंग माशाल्लाह. डाइनो शाइनो मेरे ख्याल हो गई है, तो अभी बस इसको लेके जाएंगे. कलीम भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, यू मेड अनदर E63 ब्यूटीफुल गाड़ी. और ये है इनका जिधर डाइनो होती है. ब्यूटीफुल गाड़ी यार, ब्यूटीफुल V8 बाय टर्बो फॉर्मेटिक. Go go go! Amazing, amazing color. AMG, made by HPR E63S. और वो सारी उधर PPF, PPF उधर होता है. सारी रैप शैप्स जा रही है. Beautiful color. ऐसा हाल हर बार मुझे हर दिन आने चाहिए HPR. थोड़ी क्योंकि HPR में बहुत यूनिक गाड़ियाँ होती हैं. रियल परफॉर्मेंस में भी होती है, टॉप परफॉर्मेंस में भी होती है. लेकिन HPR में मैंने क्योंकि सबसे ज़्यादा आता रहूँ, तो आई हैव टू कम हेयर एंड सी द, क्योंकि इधर के लोग आर हार्ड वर्किंग. आई लव द पीपल ओवर हेयर, फ्रेंडली नाइस पीपल. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग. पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हुई है. अच्छा वो जा रही है E63. एंड हमारे साथ है Accord यार. ब्यूटीफुल Accord. लुक एट द कलर, लुक एट द रिम्स यार. अमेजिंग अमेजिंग. ओ ब्यूटीफुल टैंक खड़ी है यार हमारे साथ. दिस इज LC 300. दिस इज अ टैंक. आई लव टैंक. इफ आई हैव द मनी ना, मैं ये पुरानी गाड़ियाँ हमेशा चलाऊंगा. ये बहुत, इसकी मैंने एक वीडियो देखी थी, इसकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसपे हाथी खड़ा हो गया था. अगर आपने देखी हो, यानी हाथी खड़ा हो, कुछ फर्क भी नहीं पड़ा. एनीवेज अ ब्यूटीफुल गाड़ी, ब्यूटीफुल क्लासिक. तैयार हो रही है रैली के लिए रॉको. मुझे लगा GR है, बट तैयार हो रही है तो फायदा नहीं है रॉको मंगवाओ GR, क्योंकि वैसे भी तैयार हो रही है. शॉक शॉक्स बदलेंगे टायर्स. उसका ECU न्यू है तो वो ट्यून के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है. वही ना, वो मजे का ट्यून हो जाता है. लेकिन वो महंगा है फिर. हाँ थोड़ा सा प्राइस रेंज, लेकिन ये सिमिलर है. सिमिलर पावर्स हम दोनों ट्यून करते रहते हैं. सिमिलर पावर्स हैं. अच्छा ये नया ट्रक आया है संगीत साहब का, ये सिल्वराडो LS. ब्यूटीफुल यार. अच्छा दिस इज लेफ्ट हैंड Oh my God, bro. मुझे थोड़ा इसकी फीचर्स बता दे यार. क्या मतलब ये 4x4? हाँ ये इसकी, ये तो इसकी 4x4 है. लाइट्स हैं, तो आगे पीछे और इसमें
ये हमने इसमें पैडल शिफ्टर्स कस्टम ये बनवाए हैं, ये माउंटेन्स भाई उन्होंने सेट करना है इसके, आप देखिए तो यहाँ होते हैं प्लस माइनस। तो अब रैली के बीच में आप ये पीछे, हाँ ये कौन करता रहेगा, तो ये यू हैव टू हैव द कंट्रोल ऑन योर हैंड। ब्यूटीफुल यार, इसकी सस्पेंशन, व्हाई डू नीड अ टायर ब्रो, टायर वैसे so you, एक तो like, ऐसी एक्स्ट्रा भारी हो गई एक एक्स्ट्रा, और दूसरा वी नीड द वेट एट द बैक, वी डोंट नीड अ वेट, वी नीड अ फास्ट ब्रो। नहीं 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 देखो फास्ट सिर्फ ये नहीं होता, इस तरह तो मैं अब पीछे से हम नंगा करते हैं ट्रक को, हाँ। सारा वेट आ गया पीछे, कोई वेट ही नहीं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन नाम की चीज होती है। तो वो ये अभी आप इसके शॉक्स का सिर्फ इज दिस अ शॉक ब्रो, ये जस्ट ट्रिपल बाईपास है उसका ट्रैवल देखो सिर्फ, मैं क्या हूं आपको अगला वाला दिखाता हूं यार, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू बाईपास। Oh my, ये एक शॉप की मैं बता दूं इसकी प्राइस को, रोड मतलब 50 लाख तक तो होगी ना, ये प्राइस डिपार्टमेंट में मैंने, ब्यूटीफुल निसान पेट्रोल ब्यूटीफुल। और ये मैंने सुना है कि राइट हैंड नहीं आती, ये नहीं राइट हैंड, ये हमेशा लेफ्ट हैंड आती है, ये शायद नहीं, ये राइट हैंड है, राइट हैंड है, नहीं अच्छा राइट हैंड आती है, लेफ्ट भी आती है दुबई वगैरह में तो लेफ्ट हैंड चलती है, वही ना मुझे मैंने सुना है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड आती है, राइट हैंड नहीं आती, नहीं राइट भी आती है, अच्छा राइट भी आती है, तो वही मैं आई वाज शॉक्ड, कुछ उस दिन मुझे कोई बता रहा था ये कोई गाड़ी तैयार हो रही है, ये सिविक है, सिविक अच्छा ये हैचबैक नहीं है, ये अच्छा ये दूसरी है, ये मेरे ख्याल ये आदिल भाई जीते थे, आदिल भाई का था, ये सलमान का, सो इसमें LS3 है और इसमें 3UR है, टुंड्रा का जो 5.7 होता है, ओह सो दिस इज द फास्टर इंजन, इसमें रिलायबिलिटी ज्यादा है, तो अगर दोनों में रेस मतलब अगर दोनों में ज्यादा लॉन्ग टर्म रेस हो कौन सा जीतेगा, नॉट इन दोनों के बीच में, अगर रैली में ज्यादा कौन मतलब इट्स गुड, वही बात है आपके पास पावर अगर ज्यादा हो बट रिलायबिलिटी ना हो तो उस पावर का क्या फायदा है, और अगर आपके पास रिलायबिलिटी पावर ना हो तो फिर लेकिन पावर फिर भी थोड़ी हो, 280 एचपी तो है ना, दैट इज नॉट बैड, ये 400 है, वैसे रैली के लिए कितने एचपी अलाउड है यार, अलाउड आपकी मर्जी होती है, प्रेप में तो 600 एचपी वाली भी आती हैं गाड़ियाँ, लेकिन वही है कि आपका ओवरऑल आपने पूरे सीजन करना होता है और रेस पूरी करनी होती है, आपकी रैकी में या प्रैक्टिस में गाड़ी का मसला खुल गया तो फिर क्या फायदा रेस, दैट्स ट्रू। और सबसे बेस्ट रैली के ड्राइवर इज मक्सी, उधर भी होती है, कह रहा था भी होती है, ब्यूटीफुल। उधर कब होती है वैसे, यार अभी सितंबर के एंड पे थी वो पोस्टपोन हुई है, अब अक्टूबर के स्टार्ट में, यार रीजन नॉट श्योर बट वैसे अक्टूबर अभी तो क्या अभी बर्फ लाइक बर्फ शर्फ का मसला नहीं है, बर्फ का नहीं है, अच्छा। बर्फ का यार ने वाली की है, लेकिन ये कह रहे कि कन्वर्टेड 680 हॉर्स पावर C63 2020 ब्यूटीफुल। और एक और है सी क्लास, फिर हमारे पास है कमेरो, ब्यूटीफुल। यार मुझे HPR आना चाहिए क्योंकि HPR नए नए सरप्राइजेस मिलते हैं, अब भी यार ये हुंजा के लिए मुझे चाहिए एक बड़ी C6x6 हो, ठीक है, और उसके पीछे ये हो और इसमें आप रहो, ब्यूटीफुल यार ब्यूटीफुल। और उस तरफ इनका अंदर की तरफ इनका मीडिया का रूम है, तो HPR मीडिया की तरफ वो डिजिटल ग्राफिंग गैराज नाम है, डिजिटल गैराज के नाम पे यार ब्रो। मुझे भी राइम ने कहा ये एलकंटारा लगाया हुआ है इन लोगों ने स्टेयरिंग, ब्यूटीफुल यार। इसमें स्पोर्ट स्टेयरिंग नहीं आती जो जो इधर डिजिटल होती है दो, और ये मैंने मुझे सुनने में आया कि ओनली 10,000 किलोमीटर चली है, बिल्कुल ऐसे जो डोनर कार थी, डोनर वो लेस देन 10,000 थी, आई एम नॉट श्योर ये वाली कितनी, बट ब्यूटीफुल। और इससे आपका जो ग्रिप है कंट्रोल है वो दैट्स नॉट बैड ब्रो, ब्यूटीफुल बिल्कुल फरारी वाली फील है, एंड आई बिलीव इसमें सॉफ्ट क्लोज भी है ना, यार ये दिस इज ऑन पार्क व्हील्स फॉर सेल राइट नाउ, जिसने देखनी हो जाके देख ले कि कितने की लगी है, करोड़ की प्लस, करोड़ ये करोड़ तक जाती है, लोग इतने शौकीन है, करोड़ तक ब्रो ऊपर है, ये वो तो नहीं है जो टोक्यो ड्रिफ्ट में आ रही है, I saw an ad in Lahore a year ago for 167. Oh, beautiful, यार. लेकिन is it a good car? Amazing car. मेरी favorite है यार. JDM में my favorite is R34. अच्छा. हाँ. ये. अच्छा is it good? But ये bro हर कोई चला नहीं सकता. नहीं चला सकता ना. You have to have no traction, no मतलब आपकी ये सी electronics आपके कोई वो नहीं है, electric steering नहीं है. तो
प्रॉपर यार, इसकी वाइब मुझे सुपरा जैसे दे रही है। प्रॉपर हां हां बिल्कुल वही वाइब है, बैठ के देख, ब्यूटीफुल। शुड आई? हां ट्राई कर, अगर फिट आता है तो। ओए बहुत नीचे है यार, आप देखोगे तो सारी 90s वाली वो टर्बो टाइमर, नीचे टर्बो टाइमर, ये पुरानी गाड़ी, सारा 90s स्पेक, वो भी बूस्ट गेज आपकी। ये मुझे बिल्कुल उसकी वाइब दे रही है सुपरा। मैं एक बार बैठा हूँ सुपरा में, इट्स गुड कॉकपिट इसका, और अभी बैटरी डिस्कनेक्टेड बनेगी आपके पॉपअप हेडलाइट्स यहाँ से। अच्छा इसमें कोई मसल क्या कहो रहा है, इसमें एक वाटर बॉडी का इसका इशू है, वो आ रहा है दुबई से। ओ अच्छा, दैट्स नाइस यार, दुबई में अभी भी पार्ट्स मिलते हैं इनके? ये वो तो नहीं है, can I see it from the back? अच्छा ये दूसरी वाली है, ये this is 2000? एक गोल लाइट वाली थी, वो ताऊ भाई की शॉप पे खड़ी वही ना, वो मैंने वो कौन सी थी? वो भी यही है, उसके पीछे से लाइट चेंज, उस जी गोल गोल सी है वो आफ्टर मार्केट है। अच्छा ये कौन सी, कौन सा मॉडल है ये? मॉडल नॉट श्योर, लेकिन लेट 90s होगा। ओ अच्छा, भी पाकिस्तान में काफी पेशावर में सबसे ज्यादा। हां हां पेशावर में तो रोल रही हैं ये, सब लोगों को पता चला कि ये असली गाड़ी है। द BMW एंड द C63 अ ब्यूटीफुल कलर, ग्रे इज दैट ग्रे राइट? और इज दिस अ रियल विंग? कार्बन फाइबर, कार्बन पैकेज है, ब्यूटीफुल यार। एक हां बिल्कुल, कितने हॉर्स पावर? This is 495 500 stock है। हाँ, stock है। I think stock है। ये सब लोग neons पे जा रहे हैं bro, neon calibers। अच्छा फेस लिफ्ट 2012 फेस लिफ्ट नहीं है मतलब? नहीं नहीं ये 12 वाली ही है। अच्छा 12 वाली, ये शेप मुझे पसंद है, ये फेवरेट। ये वो 2009 है, वो नहीं वो थोड़ी पुरानी हो जाती है। ये ठीक है, वेरी गुड। सब जीरो ब्लैक सब जीरो, और पीछे विंग वही वाला है ना? आज वही वाला है ना, इसलिए मैं अट्रैक्ट किया है यार, उसमें काफी मेरे एक मेमोरीज रह चुके हैं। बिल्कुल सेम सब जीरो वाला विंग है, काफी बड़ा विंग है, और इससे कोई फर्क पड़ता है एयर डायनामिक? हाई स्पीड पे 150-200 प्लस पे जरूर पड़ता है। ये भी लगाया हुआ है, इससे फर्क पड़ता है? कुछ लगाया भी नहीं है, सब कुछ आया है साथ में, लेकिन कोई फर्क पड़ता है इन चीजों से? डिफ्यूजर क्या, ये सारा आपका वैक्यूम क्रिएट करता है पीछे, सही है? तो इसे रियल कार्बन फाइबर, हां पीछे से हाई स्पीड में पीछे से वैक्यूम क्रिएट होता है, कार स्टिक्स टू द रोड। ओके दैट्स नाइस थिंग, सेम गोस फॉर हिम। या ये भी, लेकिन ये छोटा सा, ये कम है, इतना अग्रेसिव नहीं भाई, इट्स अ हेवी कार सो इट डजंट नीड दैट काइंड ऑफ। थोड़ी सी बिजनेस लुक में है, थोड़ी सी लाइक सेन सी सोबर सी लुक में। यार अच्छा मैंने इसकी एक इसी चीज का इंजन का एक मजे की बात बताऊं, अगर आराम से चला रहे हो तो चार इसके सिलेंडर बंद हो जाते हैं। That's a good thing यार, economy fuel बचाने के लिए। cylinders में या ignition या मतलब fuel काम करते हैं। चार ignitions बंद हो जाते हैं इसके। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। That's a beautiful technology यार, Mercedes बहुत आगे है। बिल्कुल, और इनकी average भी यार। What's the average? ये तो चलो फिर भी बेहतर देगी, और इसको ले लो। ये तो बहुत कम देती है। नहीं 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 यार, अगर आप यहाँ से भी लाहौर जाओ, नहीं लॉन्ग में नहीं, सिटी के अंदर। सिटी के अंदर, हाँ सिटी के अंदर थोड़ी कम होगी। बगाते हैं ना, वही बात है। अगर मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल चलाओ लाहौर जाओ इस पे, तो ये आपको 12-13-14 भी देगी। ना करो, सिविक देखना। हाँ हाँ 12-13 देगी। मेरी सिविक 9 देती है यार, और मैं उस पे कायन क्या हूँ? फुल इंजन है, इतनी सी पावर पे पूरी गाड़ी चलती है। और आई वाज शॉक ऑन द कायन 7 इन द सिटी ब्रो, ब्यूटीफुल इंजन के साथ 7 इन द सिटी, माशाल्लाह। कम अपॉलोज अभी मेरे हाथ लगा है, ये टैंक ब्यूटीफुल, कितना साफ सुथरा, एंड इट्स अ लॉन्ग व्हील बेस जिस बॉय ने रखी है, काफी साफ सुथरी रखी है। लुक एट द यार, आई कांट इवन इमेजिन, ये पुरानी है लेकिन ऐसे लगती है कि ब्रांड न्यू ली है। लुक एट दिस सीट्स, अनटच्ड, टचेबल है, ठीक है। मजे की बात क्या है, इस टैंक, दूसरी बात इट्स अ माफिया लुक, तीसरी बात इट्स अ लॉन्ग व्हील बेस ब्रो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई वांट सिट इनसाइड cuz आई डोंट वांट, माय शूज आर डर्टी, बट लुक एट द इंजन, ब्यूटीफुल यार, बड़ी साफ सुथरी बॉय ने रखी है, आई लाइक इट। जो बॉयज ऐसे गाड़ियाँ रखते हैं, इट मीन्स दे आर अ कार लवर। लेट्स सी यार, इधर से ही पता चल रहा है कि कितनी साफ सुथरी है, 260 meters, और ये सारे ऑप्शंस है। आज का दिन काफी मजे का था, अ वेरी नाइस डे एट HPR। एनीवेज आई एंजॉयड इट, ठीक है, बहुत मजा आया। HPR पे डिफरेंट गाड़ियाँ आई हुई थी, और अभी मैं इधर आता रहूँगा क्योंकि यार आई लव कार्स,
एंड मुझे कार्स के बारे में नॉलेज भी मिलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, नॉलेज के साथ पैरेलल नो एवरीथिंग, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं तुम्हें गाड़ियों के बारे, गाड़ी में बैठ जाते हो तुम्हें पता नहीं है लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कार्स, बट इसी तरह मैं सीखता हूँ और इसी तरह बंदा सीखता है। होप यू लाइक दिस व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिलो, अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह।